एक अमर आत्मा, विचारों की प्रदीप्त लौ, कलम का सच्चा साधक और आजादी के बाद के सामाजिक, राजनीतिक व साहित्यिक आंदोलनों को नई व रचनात्मक दिशा देने वाला एक प्रखर योद्धा, जिनकी कीर्ति गाथा के बिना पत्रकारिता का इतिहास अधूरा है, जिनकी कर्म साधना का स्मरण किए बगैर ब्रज की धरती अपना सवेरा नहीं शुरू करती, ऐसी शख्सियत जिससे क्षण भर की मुलाकात अनगिनत लोगों की जुबान पर आज भी तरोताजा है, जिनकी जीवन तिबारतों में अब भी गांव और कस्बों की समस्याओं के समाधान सुरक्षित हैं, जिन्होंने पारिवारिक एकता को व्यापक समाज और संगठित राष्ट्र की बुनियाद माना, जो आजीवन सामाजिक न्याय को पत्रकारिता की पहली शर्त मानते रहे और जो इस मिशन पर सजग और सचेष्ट लगातार चलते रहे, ऐसे प्रखर एवं यशस्वी पत्रकार डोरीलाल अग्रवाल के आदर्शों को कोटि कोटि प्रणाम। इसी मिशन का नाम है DLA, डोरीलाल अग्रवाल के मिशन को समर्पित। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर कदम आपके साथ। पूरे शहर को याद है एक वर्ष पहले की वो तारीख, जब हर आंख में चमक थी, हर दिल में इंतजार था, एक जुनून था, एक सुरूर था, कुछ नया घटने वाला था आगरा के इतिहास में। वो तारीख थी 23 मार्च 2007। दोपहर का वक्त, एक नए कदम की आड़ थी अनगिनत दिमागों में, दुकानों, दफ्तरों, स्कूलों, फैक्ट्रियों, स्टेशनों और घर में बैठे लोगों में प्रबल उत्सुकता थी। नया इतिहास रचा जाने वाला था पत्रकारिता का। समूचे भारत में हिंदी का पहला मध्याह्न दैनिक आने वाला था। एक नया प्रयोग, एक नई श्रृंखला, एक नया विचार प्रवाह। इस मिशन को आकार देने में जुटी थी C4 औद्योगिक क्षेत्र शास्त्रीपुरम में स्थापित अति आधुनिक मशीन, और कोतूहल की घड़ियां खत्म हो गई। हिंदी का विविध रंगी बहुआयामी पहला टेबलॉइड बाजार में था। चौराहे चौराहे, नुक्कड़ नुक्कड़, दरवाजे दरवाजे, एक ही आवाज थी, आज की खबर आज। लोगों के हाथों में लहरा रहा था DLA। लोग संतुष्ट थे, खुश थे, आह्लादित थे अपनी आकांक्षाओं का अक्स देखकर। एक दिन, दो दिन, तीन दिन और फिर लगातार DLA की मांग बढ़ती गई। पाठकों में आकर्षण बढ़ता गया। युवाओं के हाथ में DLA था, इसलिए कि उन्हें मिली अपने करियर, स्कूल कॉलेज, परीक्षाओं एवं उनकी हॉबीज अभिरुचियों की बहुमूल्य जानकारी। शिक्षकों, कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों के हाथ में भी DLA था, इसलिए कि संवाद और विचार विनिमय के एक सशक्त फोरम की तरह प्रस्तुत हुआ यह अखबार। कारोबारियों, व्यवसायियों एवं दुकानदारों के हाथ में भी था DLA, इसलिए कि शहर से लेकर दुनिया भर के तमाम बाजारों व गतिविधियों की जानकारी थी उसमें। महिलाओं की नजरों में था DLA, इसलिए कि किचन से लेकर किटी और मॉल तक की जानकारी से भरपूर था DLA। हर खास आम के हाथों में था DLA, इसलिए कि पहली बार किसी अखबार ने जिंदगी के तमाम रंगों को एक साथ छूने की कोशिश की थी। और कुछ ही महीनों में DLA पूरे ब्रज के कोने कोने में फैल गया।
इस सफलता को देश की प्रमुख रिसर्च एजेंसी एसी नीलसन ने भी प्रमाणित किया। उसने अपने पारदर्शी सर्वेक्षण में डीएलए को आगरा मंडल में 2.5 लाख प्रतियों के साथ नंबर एक अखबार घोषित किया। तमाम सारे सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक संगठनों एवं संस्थाओं के साथ साथ प्रशासन ने भी इसकी जन भागीदारी को स्वीकार किया। पाठकों के प्यार और सहयोग ने डीएलए को अहम मुकाम तक पहुंचाया। प्रशासन ने डीएलए को आगरा के सबसे बड़े लोकोत्सव ताज महोत्सव का मीडिया पार्टनर बनाया। कॉर्पोरेट दुनिया को भी डीएलए के साथ साझेदारी के फायदे समझ में आए। पैसिफिक मॉल के साथ डीएलए की मीडिया पार्टनरशिप कायम हुई। शॉप एंड विन कार्निवल में डीएलए की उपस्थिति सभी ने महसूस की। एडलेब्स के बिग 92.7 एफएम स्टेशन ने भी डीएलए के साथ कई इवेंट्स में पार्टनरशिप की। और फिर आया अगस्त क्रांति का शुभ दिन, 9 अगस्त 2007 का सवेरा। अंग्रेजी का पहला क्षेत्रीय एवं संपूर्ण अखबार युवाओं, बुद्धिजीवियों, महिलाओं एवं कारोबारियों के दैनिक जीवन की हर जरूरी सामग्री से लैस। देश विदेश, फैशन, फिल्म, विज्ञान और अनुसंधान, कारोबार, खेल जगत की हर जानकारी से सराबोर। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि स्थानीय समाचारों को पहली बार अंग्रेजी भाषा में भरपूर स्थान देने का प्रयास। जिंदा कौमें ठहरा नहीं करती। डीएलए ने अपने आंदोलन को गति दी। सेनानियों की माटी इसे पुकार रही थी। हिंडन की लहरें भी आवाज दे रही थीं। अंततः निर्णय लेने का वक्त आया। धारा के विपरीत चलते हुए समय के माथे पर डीएलए ने दो और हस्ताक्षर किए। गाजियाबाद और मेरठ के इतिहास में क्रमशः 27 जनवरी 2008 और 21 फरवरी 2008 की तारीखें दर्ज हो गईं। अपनी पूरी विनम्रता और ताकत के साथ डीएलए ने इन दोनों शहरों में प्रवेश किया और देखते ही देखते लोगों के दिलों पर छा गया। अभी डीएलए को इस यात्रा के कई और पड़ाव पार करने हैं। राजधानियों समेत कई बड़े शहरों में लोगों को डीएलए के कारवां का इंतजार है। डीएलए के इस कारवां में एक वर्ष के भीतर लाखों लोग जुड़े हैं। इस कारवां का नेतृत्व मनस्वी डोरीलाल अग्रवाल के सुपुत्र अजय अग्रवाल के हाथों में है। हर किसी को उनकी सांगठनिक क्षमता, संपादकीय कौशल एवं सूझबूझ पर भरोसा है। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यकीनन ये कारवां आगे बढ़ेगा, लाखों और हमराही उमड़ेंगे साथ साथ चलने को। मैं विनम्रता पूर्वक लोक सेवा के इस धर्म को निभाने का संकल्प लेता हूँ। ईश्वर इतनी ताकत दे कि डीएलए आपकी आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरे और ये यात्रा निरंतर जारी रहे। आप सबको बारंबार प्रणाम।